वहीं 19 साल की अंकिता भंडारी की हत्या से पूरा उत्तराखंड आक्रोश में है। अंकिता भंडारी के हत्यारों के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। कल ग्रामीणों ने हत्या के आरोपी और बीजेपी नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य के रिजॉर्ट वनंदरा में तोड़फोड़ की थी, तो वहीं आज गुस्साए लोगों ने फैक्ट्री में आग लगा दी। जानकारी के अनुसार ये रिजॉर्ट पुलकित की अय्याशी का अड्डा था। फैक्ट्री में भी कई अनैतिक कार्य होने का आरोप लगाया गया है। वहीं बता दें कि स्थानीय अनजान लोगों ने रिसॉर्ट के पीछे बनी पुलकित आर्य की फैक्ट्री में आग लगा दी है। कल जब पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया तो उस समय भी लोगों ने उनके साथ मारपीट की थी। वहीं पुलिस ने बड़ी मुश्किल से तीनों आरोपियों को बचाया था। आरोप है कि पुलकित आर्य और उसका मैनेजर अंकिता भंडारी पर वनंदरा रिसॉर्ट में ठहरने वाले ग्राहकों के साथ गलत काम करने का दबाव बना रहा था, जिसके लिए अंकिता भंडारी ने मना कर दिया था। इसी बात को लेकर पुलकित आर्य और अंकिता भंडारी के बीच झगड़ा भी हुआ था। वहीं बीच रास्ते में चिल्ला नहर के पास अंकिता ने पुलकित आर्य का फोन नहर में फेंक दिया था, जिसके बाद गुस्से में आकर पुलकित आर्य ने अंकिता भंडारी को नहर में धक्का दे दिया। इसके बाद तीनों आरोपी वापस रिसॉर्ट में आ गए। वहीं मामले को छिपाने के लिए पुलकित आर्य ने एक साजिश भी रची। साजिश के तहत पुलकित आर्य ने ही अंकिता भंडारी के गुमशुदी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, लेकिन जब तीन दिनों के बाद भी अंकिता का कोई पता नहीं चल सका तो परिजनों ने प्रशासन पर दबाव बनाया। इसके बाद मामला रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर किया गया। वहीं पुलिस ने मामले का खुलासा कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। एमके न्यूज की डेस्क रिपोर्ट।